दोस्तों, जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था, तुरंत ही ऐसे नायक वाले फैसले लेने चालू कर गए थे कि क्या ही बताएं, मतलब बता भी दिए हैं। अब यहीं पर एक और फैसला सामने आ रहा है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि $5 से $20 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ट्विटर ब्लू का उन लोगों को जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ट्विटर के ऊपर, चाहे वो सेलिब्रिटी हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, जर्नलिस्ट हो गए या फिर दूसरे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ट्विटर के ऊपर और उनके पास में ब्लू टिक वाला वेरिफिकेशन बैज है, तो उनके लिए ट्विटर ब्लू लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनका ये ब्लू टिक उनसे ले लिया जाएगा। तो सिर्फ ब्लू टिक के लिए ही उनको $5 से $20 पर मंथ के हिसाब से देना पड़ सकता है। देखेंगे कि कितना सेट करते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि 7 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको वेरिफिकेशन बैच के लिए $5 से $20 देने पड़ेंगे, उनको इसके साथ में एडिट का बटन भी मिल सकता है, लॉन्गर वीडियोस, लॉन्गर ट्वीट्स वगैरह करने को मिल सकते हैं, और भी कुछ फीचर हैं जो कि ट्विटर ब्लू के साथ में आते हैं वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन मेन है लोगों के लिए ब्लू टिक, क्योंकि भैया वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसी के साथ साथ अच्छा भी लगता है कि भाई मेरे पास में वेरिफिकेशन बैज है, ब्लू टिक है, तो उसके लिए पे करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद जो VIP कल्चर चल रहा है ट्विटर के ऊपर वो कई लोगों के लिए कम हो सकता है। कई लोग कहेंगे नहीं यार, मैं नहीं ले रहा, कौन दे भाई ₹1600 या फिर ₹800 जितने भी करते हैं वो भी मंथली के हिसाब से, इनको सिर्फ ब्लू टिक के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग करेंगे क्योंकि ये एक रेपुटेशन का सवाल है कि मेरे पास ब्लू टिक है। और इसी के साथ साथ जैसे ही ट्विटर को एलन मस्क ने बाय किया था, जैक डोर्सी जिन्होंने ट्विटर को बनाया था, उन्होंने भी अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसका नाम है ब्लू स्काई। और 2 दिन के अंदर ही 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर साइन अप कर लिया। फिलहाल के लिए बीटा मोड के अंदर ही है, अभी पूरी तरीके से मतलब तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि भैया हम तेरे साथ हैं जैक डोर्स से। और यहाँ पर दोस्तों शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, जिनको हम शार्क टैंक के अंदर भी देख चुके हैं, उनका एक ट्वीट आया था कि भैया मेटा को डेस्परेटली ज़रूरत है एक इंडियन CEO की, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल का इनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है, भैया 50% डाउन चले गए हैं इनके शेयर्स, तो पराग अग्रवाल अभी अवेलेबल हैं, आप उनको हायर कर सकते हो, उस तरीके का ट्वीट किया। तो यहाँ पर चलो किसी ने तो कहा कि भैया इस जॉबलेस बंदे को कुछ काम दो, हालांकि वो जॉबलेस कहीं से भी नहीं होंगे भैया, $42 मिलियन मिले हैं उनको कंपनी से निकलने पर भी, हाँ फिर भी जॉबलेस तो है, पैसा है तो क्या। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमने मेटा की बात करिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक या फिर फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम कई सालों से आप चला रहे होंगे और आपके ऐसे ऐसे नंबर भी यहाँ पर स्टोर होंगे जो कि आपको मालूम भी नहीं है, जो कि आपने कभी शेयर भी नहीं किए होंगे, आपको किसी दोस्त ने शेयर कर दिए होंगे या फिर किसी रिलेटिव ने शेयर कर दिए होंगे। तो इनके जो डेटाबेस के अंदर आपके नंबर हैं वो आप हटवा सकते हो, ये एक सीक्रेट टूल है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर जाने के बाद में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो जो कि आपको देखना हो क्या इनके डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, और अगर मिल जाता है तो आप उसको रिमूव करवा सकते हो इनके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से। दोस्तों चाइना के अंदर कोविड के 2 नए वेरिएंट डिटेक्ट किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं वहाँ पर BF.7 और इसी के साथ साथ BA.5.1.7 नाम के 2 वेरिएंट निकले हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 0 कोविड पॉलिसीज तो खैर लगा दी गई है। और जितने भी वर्कर थे फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के अंदर बंद कर दिए गए थे कि भैया तुम यहीं पर रहो और यहीं पर हमारे लिए आईफोन बनाते रहो और खाना वाना मेडिकल केयर की सारी फैसिलिटी हम तुमको देंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ शॉर्टेज आई खाने की, मेडिकल सप्लाईज़ की, जिसकी वजह से वहाँ से लोग अब भागना चालू हुए कुछ इस तरीके से जैसे कि US के अंदर एंट्री करने के लिए लोग मैक्सिकन बॉर्डर पे जाकर कुछ इस तरीके से कूद फांद कर देते हैं। तो इस तरीके से फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से वहाँ के ही वर्कर भाग रहे थे कि भैया तुम्हारे बस की नहीं हमें संभालना, तो हम जा रहे हैं अपने घर। अब मैं आपको बता दूं कि कई लोग सोचेंगे भैया गेट से क्यों नहीं गए, भैया पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सभी वर्कर्स को लॉक कर दिया गया था कि यहीं रहो, यहीं काम करते रहो, यहीं खाना पीना मिलता रहेगा, तुम्हें बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे, तो अब इस तरीके से भाग रहे हैं अब लोग। दोस्तों आज से करीबन 4 साल पहले Xiaomi ने अपनी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के अंदर लॉन्च करी थी जो कि अब बंद कर दी हैं, जो है MI Pay ऐप और इसी के साथ साथ एक लोन ऐप भी थी इनकी MI Credit, तो वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिए क्योंकि ये NPCI की वेबसाइट के ऊपर अब रिकॉग्नाइज UPI ऐप्स नहीं रही हैं, तो इनको अब अपना ये बिजनेस यहां से बंद करना पड़ा। और इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा टैक्स की चोरी के भी आरोप इन पे लगे पड़े हैं। दोस्तों अफ्रीका के अंदर से अब तक का लार्जेस्ट स्टोन मिला है 300 सालों में पहली बार, ये कहा जा रहा है ये प्योरेस्ट और रेयरेस्ट नेचुरल स्टोन है, वो भी
पिंक कलर के अंदर। ये 170 कैरेट का पिंक डायमंड है जिसको लुलो रोज नाम दिया गया क्योंकि ये सेंट्रल अफ्रीका के लुलो माइन से मिला था, जिसकी वजह से इसका भी नाम कुछ इसी तरीके का रखा गया और ये अब तक का लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जो पाया गया इस धरती पे से। यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जो कि विराट कोहली के रूम की थी, जो वो पर्थ में रुके हुए थे, तो वहाँ के होटल में कोई उनका फैन घुस गया और उसके बाद में वहाँ की सारी वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे वायरल कर दी। और जब ये विराट कोहली को मिली तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और दुखी तो हुए, थोड़े बहुत नाराज भी हुए कि भैया हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं है, या फिर हमें कोई पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रखा है कि कोई भी आएगा घुस के चला जाएगा और देख लेगा कि क्या हम कर रहे हैं, तो भैया हमारी भी कुछ प्राइवेसी है तो वो रहने दो, ऐसा मत करो प्लीज़। हालांकि काफ़ी कुछ लिखा है, मैंने समराइज़ कर दिया है।